नमस्कार प्यारे बच्चों, आज हम हिंदी सुलभ भारती की दूसरी इकाई का पाठ 10वां पढ़ने वाले हैं। पाठ का नाम है मुझे जानो। लेकिन इस पाठ में हम किसके बारे में जानने वाले हैं? पाठ में हम कुछ चित्रों के नामों के बारे में जानेंगे। इसी के साथ उन नामों को देवनागरी लिपि और रोमन लिपि में कैसे लिखा जाता है, इसके बारे में भी हम अभ्यास करेंगे। तो चलिए सबसे पहले समझते हैं क्या होती है देवनागरी लिपि और रोमन लिपि। अभी हम फलक पर लिखे कुछ वर्ण देख सकते हैं। मैंने फलक पर लिखा है अ, ई, क, ट। हिंदी वर्णमाला में ऐसे बहुत से वर्ण है। यह वर्ण जिस लिपि में लिखे गए हैं उसे कहते हैं देवनागरी लिपि। देवनागरी लिपि में अंक कुछ इस तरह लिखे जाते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6। अब देखते हैं रोमन लिपि क्या होती है। अभी मैं फलक पर लिख रही हूँ ए, बी, सी, छोटा एक्स, छोटा ओ। यह अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर है। इन्हें मैंने जिस लिपि में लिखा है उसे रोमन लिपि कहते हैं। पूरी दुनिया में बहुत सारी भाषाएं बोली जाती हैं और उन्हें लिखने के लिए कई लिपियों का प्रयोग भी किया जाता है। आज हम इस पाठ में देवनागरी लिपि और रोमन लिपि की मदद से कुछ चित्रों के नाम लिखेंगे। तो चलिए पाठ को शुरुआत करते हैं। पहला चित्र हमें दिखाई दे रहा है सिक्के का। तो देखते हैं देवनागरी लिपि में हम सिक्का यह शब्द किस तरह लिखते हैं। सिक्का देवनागरी लिपि में इस तरह लिखा जाता है। इसी को अगर मुझे रोमन लिपि में लिखना है तो मैं उसे लिखूंगी एस आई के के ए। दोनों शब्द एक ही है, बस उनको दो अलग अलग लिपियों में लिखा गया है। पहला शब्द लिखा गया है देवनागरी लिपि में और दूसरा शब्द लिखा गया है रोमन लिपि में। तो चलिए अब हम कुछ और चित्र देखते हैं और उनके नाम दोनों लिपियों में कैसे लिखे जाते हैं वह देखते हैं। चित्र में हम एक कलम देख सकते हैं। इसे फाउंटेन पेन कहा जाता है। देवनागरी में फाउंटेन पेन ऐसे लिखते हैं और रोमन लिपि में कुछ इस तरह। अगले चित्र में हम एक रिकॉर्ड देख सकते हैं। देवनागरी में रिकॉर्ड हम इस तरह लिखते हैं और रोमन लिपि में रिकॉर्ड इस तरह लिखा जाता है, आर ई सी ओ आर डी। चलिए अगला चित्र देखते हैं। चित्र में हम एक जहाज देख सकते हैं। यह शब्द देवनागरी लिपि में हम ऐसे लिखते हैं और रोमन लिपि में यही शब्द कुछ इस प्रकार लिखा जाता है। अगला चित्र है प्याले का। प्याले में हम चाय पीते हैं, दूध पीते हैं। प्याला यह शब्द देवनागरी लिपि में कुछ इस तरह लिखा जाता है और रोमन लिपि में हम उसे लिखते हैं पी वाई ए एल ए। यह सारे शब्द आप अपनी कापी में लिख लीजिए। चित्र में हम एक ट्रांजिस्टर देख सकते हैं और देख सकते हैं ट्रांजिस्टर का देवनागरी लिपि में लिखा गया नाम और रोमन लिपि में लिखा गया नाम। इसके बाद का चित्र है एक बैल का। देवनागरी लिपि में हम बैल यह शब्द इस तरह लिखते हैं और रोमन लिपि में इस तरह। यह एक मोबाइल का चित्र है। मोबाइल यह शब्द देवनागरी लिपि में ऐसे लिखा जाता है और रोमन लिपि में कुछ इस तरह। अगले वीडियो में हम कुछ और चित्र देखेंगे और उनके नाम देवनागरी लिपि और रोमन लिपि में कैसे लिखे जाते हैं इसके बारे में जानेंगे। धन्यवाद।